नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्नू बॉन्डोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बना है उसी का फ्यूचर मैं रेगुलर व्यू देता हूँ, तो उसको कल के लिए मतलब 11 जून 2019 के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स चुना है उसी का व्यू आप लोग को देता हूँ। ये स्टॉक्स है, इसका बाई अबव लेवल बीच में रहेगा, इधर आएगा टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ रहेगा, और टारगेट 5 से टारगेट 8 दाहिने तरफ रहता है, और सेल लेवल में भी ऐसा है, सेल बिलो लेवल बीच में है, टारगेट 1 से टारगेट 4 दाहिने तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाहिने तरफ रहता है। इसका अल्टरनेटिव एक बाय सेल लेवल है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ये अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल है, इसको आप लोग देख सकता है। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है उसका हिसाब से जो अप में गया और डाउन में गया उसको आप लोग देख सकते हैं। सोच लीजिए इधर क्लोज हुआ है ई क्लोजिंग 734.50, तो इसका बाय अप लेवल 737, सोच लीजिए कि 740 के ऊपर क्लोज हुआ, ओपन हुआ है, तो इसको आप लोग टारगेट 1 के तरफ रख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आप लोग बुक कर लेंगे, इतना टारगेट नहीं भी आ सकता है। और ये वाला है, ठीक है, और मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ, ये बैंक निफ्टी का लेवल है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का और बैंक निफ्टी निफ्टी का ऑप्शन इंडेक्स का लेवल दिखाता हूँ, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव बाय सेल लेवल भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, और मेरा जो सर्विस है ये इसमें पूरा मतलब फाइल में जो जितना है मतलब 200 स्टॉक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, 200 स्टॉक्स का फ्यूचर्स है, वो आप लोग मिल सकता है। ये मेरा कोई चार्जेस नहीं है इसमें, ये लेवल से आप लोग को प्रॉफिट होगा तो उसमें से शेयर करना है और कुछ नहीं। अच्छा सा आप लोग को दिखा देता हूँ, वो आप लोग भी नोट कर सकता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये फाइल आप लोग देख सकते हैं, इसमें कमोडिटी भी रहता है, इक्विटी स्टॉक्स फ्यूचर्स निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी जितना सारा है सभी रहता है, जो फिर स्टॉक्स है और कमोडिटी है और निफ्टी बैंक निफ्टी। और मैंने एक मेरा जो सेटअप है उसमें से एक चार्ट में दिखाना चाहता हूँ,